गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आज जो पूरे विश्व की स्थिति है उसमें लगता है, बिहार देश के अंदर भी लगता है कि सब चीज़ों का समाधान राजनीति में है। यदि आप राजनीति में उत्तीर्ण हैं, पास हैं, तो सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। समाज परिवर्तन की बात, जो निर्धन हैं, दबे कुचले हैं, या उनमें परिवर्तन आ जाएगा, एक सांस्कारिक समाज खड़ा हो जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए देखने की दृष्टि राजनीति की ओर आज पूरे समाज की है। क्या ये सही है, या आने वाले और 75 साल देश को आज़ादी के हो गए, जब 100 वर्ष पूरा होगा तो उस समय तक देश की क्या स्थिति होगी और क्या दिशा होनी चाहिए, इसके लिए आपकी बात के संदर्भ में मैं केवल एक वाक्य कहूँगा। राजनीति समाधान के लिए, राजनीति समाधान के लिए है, बशर्ते समाधान की राजनीति ना हो। है क्यों ये तंत्र विकसित क्यों हुआ? ये तो समाधान के लिए हुआ, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है तो परिणाम सामने है। जो नीतियां हैं अगर उसे ठीक बनाई जाए और जनता के कल्याण का, समाज के उत्थान का लक्ष्य रखकर उसे सुचारू ढंग से संचालित की जाए, उसमें तुष्टिकरण और अन्य बातों को गौण कर दिया जाए, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर, बल्कि अन्य सब प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि महत्व देकर चला जाए, तो मैं समझता हूँ हमारे देश में कोई समस्या बचे ही नहीं। आपने कहा राजनीति समाधान के लिए है, पर अगर गहराई में जाओ तो आज की राजनीति एक समस्या बन रही है। आप देख तो रहे, आप लोग देख क्या रहे होंगे, भोग भी रहे, हर को भोगना पड़ रहा है। कितने प्रकार के खिंचातानी है, तो ये चीज जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, राजवाद, इन सबके दुष्परिणाम क्या है? अंततः ये हमारे देश को कमजोर करने वाले हैं। मैं कहूंगा इन सब से ऊपर एक वाद होना चाहिए, वो है राष्ट्रवाद। उसे लक्ष्य लेकर के चले। बस इसमें भी एक बात कहूंगा, राष्ट्रवाद लेकर चलो, राष्ट्र को लेकर चलो, पर राष्ट्रवाद की राजनीति मत करो। कई लोग हैं जो राष्ट्रवाद की राजनीति तो बहुत करते हैं, पर उनमें भी राष्ट्रवाद कहाँ? हमें राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए एक लक्ष्य रखना चाहिए, वह भारत को भारत बनाने का, भारत के पुराने गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करने का। प्री मुगल एरा में जो भारत था, उस भारत को फिर से प्रतिष्ठापित करने का। और आज ये संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में प्रतिभा और संसाधनों की कोई कमी नहीं। और अच्छा, आज के समय में देश पूरे विश्व में एक अलग स्थान बना रहा है, एक अच्छी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा, और विश्व के बड़े आर्थिक शक्तियों में भारत का 5वां स्थान आ गया है, सामने सुना है, सही है ना? तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जब तक हम सामुदायिक रूप से वैसा प्रयास नहीं करेंगे और व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में वैसा भाव जागृत नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं हो सकता।